ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर। टुडे इज फ्राइडे एंड द डेट इज 11 जून 2021। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ द लेसन नंबर 2 एंड दैट इज एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। सो लेट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 13। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मींस कि हमारी फ़िज़ा का जो दर्ज हरारत है वो क्या है, क्योंकि हमारी फ़िज़ा का दर्ज हरारत जैसा होगा वही दर्ज हरारत हमारी प्लैनेट के ऊपर भी असर अंदाज होगा। एज़ यू नो दैट हमने पहले भी अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके कि देयर आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और हर एटमॉस्फेयर पे अपना डिफरेंट जो है टेम्परेचर होता है। किसी पे बहुत गर्म टेम्परेचर है, किसी पे बहुत ठंडा टेम्परेचर है, तो वो जो है टेम्परेचर जो है वो असरअंदाज हमारे प्लैनेट पे भी होता है। अब वो जो है किस तरह उसको मेजर किया जाता है ये अब हम देखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज़ मेजर, जब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, देखा जाता है कि कम है या ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लेवल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि फ़िज़ा ज़मीन की फ़िज़ा की मुख्तलिफ जो लेयर्स हैं, मुख्तलिफ लेयर की मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं, उनको जब मेजर किया जाता है इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। चेंजेस इन दिस टेम्परेचर, यानी इन दर्जे हरारत में जो तब्दीली आती रहती है वो किस वजह से आती है, रिकॉर्डेड ड्यूटी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, यानी कि वो कितनी स्प्रेड है वो, यानी कि वो जो है एटमॉस्फेरिक लेयर कम है या ज़्यादा है, उसने कितना एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, ह्यूमिडिटी उसमें जो है नमी कितनी है, ठीक है, पानी के बुखारात कितने हैं, नमी कितनी है, इनकमिंग सोलर रेज जो सूरज से आने वाली शुआएँ हैं उनको जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है या ब्लॉक आउट करता है, एंड डेंसिटी और कितनी मकदार है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स मींस कि वहाँ पर हवा कितनी है, और हवा की डेंसिटी जितनी होगी तो गैस मॉलिक्यूल्स भी उतने ही या तो दूर होंगे या नज़दीक होंगे एट द डिफरेंट लेवल्स मुख्तलिफ तहों में। अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब हमने देखना है कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, जो फ़िज़ा का दर्जे हरारत है, उसको हम कैसे जो है मेजर करते हैं हमारी जो प्लैनेट की फ़िज़ा है। मोस्ट टेम्परेचर स्केल्स टुडे आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेल्सियस, या ज़्यादातर हम जो नापते हैं या नापने का जो टेम्परेचर को जो नापा जाता है उसका जो यूनिट है वो है सेल्सियस। जिस तरह हम चीज़ों को तोलते हैं तो किलो के हिसाब से या सेर के हिसाब से तोलते हैं, या हम अगर डिस्टेंस किसी जगह का फासला मालूम करते हैं तो मीटर या किलोमीटर के लिहाज से हम नापते हैं, मेजर करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को भी जो है एक ख़ास यूनिट के साथ जो है उसको देखा जाता है, मेजर किया जाता है, और वो हमारे पास यूनिट है जो डिग्री है वो सेल्सियस है, जिसको सी से जो है लिखा जाता है, इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ऑल्दो वन विल समटाइम्स सी फॉरेनहाइट इन यूज़, और हम दूसरी तरफ जो है एक दूसरा यूनिट भी यूज़ करते हैं जो कि एफ़ से है, दैट इज़ फॉरेनहाइट, यानी सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों जो है इज़ यूज फॉर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। द सेल्सियस स्केल इज़ फिक्स्ड, जो सेल्सियस स्केल है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, बाई टू पॉइंट्स। द फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 सेल्सियस हो जाता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ये होते हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और फ्रीजिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा कूलनेस है, ठीक है, विच एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर 0 सेंटीग्रेड, 0 सेल्सियस जो है वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड द 100 सेल्सियस इज रिस्पेक्टिवली इज़ फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। द स्केल इज़ देन डिवाइडेड, जो स्केल है नापने का मेजरमेंट है इज़ डिवाइडेड इन टू द 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स के दरमियान में फिर उसको, जैसे कि आपने स्केल देखा होगा, स्केल के दरमियान में जो है नंबर्स लिखे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से आगे फिर जो है नंबर्स जाते रहते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ पर 100 है, इसके दरमियान जितने नंबर्स हैं वो सारा उसको मेजरमेंट के साथ देखा जाता है। 0 सेंटीग्रेड, 0 सेल्सियस इज़ इक्विवेलेंट, यानी कि बराबर है 232 फॉरेनहाइट, यानी कि अगर 0 सेल्सियस होगा तो फॉरेनहाइट पे जो है टेम्परेचर हमारे पास 32 होगा। 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 0 सेल्सियस इज़ इक्वल टू 32 फॉरेनहाइट, एंड 100 सेल्सियस इज़ इक्वल टू 212 फॉरेनहाइट। यह आपने बेसिक यूनिट इसका याद रखना है, 100 बॉइलिंग पॉइंट पे जो है 212 फॉरेनहाइट होगा, ठीक है। अब हमारे पास है द केल्विन, केल्विन एक और टेम्परेचर हमारे पास स्केल यूनिट है,
स्केल इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, यानी कि इस पर जो है बिल्कुल सही हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि मुकम्मल तौर पर अगर ज़ीरो हमारे पास डिग्री हो, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इन द यूनिवर्स। जब ज़ीरो होता है तो ज़्यादा जो है सर्दी होती है, ज़ीरो केल्विन, के फॉर केल्विन, और -273 सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ज़ीरो केल्विन होगा तो ये -273 सेल्सियस के इक्वल होगा, बिकॉज वन केल्विन इज़ इक्वल इन टू द वन डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद हमारे पास है वन सेल्सियस इज़ द सेम एज 273 सेल्सियस केल्विन, यानी कि अगर ज़ीरो केल्विन हो तो वो -273 सेल्सियस होगा। अगर हमारे पास -273 केल्विन हो तो वो इक्वल होगा ज़ीरो सेल्सियस के, क्योंकि ये एक एक सेम सेम जो है वो जा रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 15 सेल्सियस इज़ द सेम एज 288 केल्विन। आपने जो है बस इसका ये मेजरमेंट एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे है कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, दैट द सर्टन लेवल, एक जैसा लेवल होना चाहिए ऑफ द वार्मथ टू बी द मेंटेन, जिसको बरकरार रखना चाहिए टेम्परेचर का ऑन द अर्थ सर्फेस। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक जैसा जो लेवल है ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन की सतह पर फिज़ा का जो एक लेवल है वो उसको बरकरार रखा जाए। दिस लेवल ऑफ वार्म मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू लिव, और इसी वजह से एक ख़ास किस्म की गर्माइश की वजह से ही ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार हैं, चाहे वो पौधे हैं, इंसान हैं या जानवर हैं, वो सब जो है ज़िंदा रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी कोई ज़िंदा नहीं रह सकता और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। वी कैन सी दैट द सन सेंड सो मच लाइट, हम देखते हैं कि सन से जो है बहुत ज़्यादा रोशनी जो है वो निकलती है टू आवर प्लैनेट सर्फेस, जो हमारी प्लैनेट सरफेस पे ईच डे रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सूरज से बहुत ज़्यादा रोशनी जो है रेज आती हैं हमारे प्लैनेट पे। फिर क्या होता है, बट द रियल जॉब इज़ फॉर द अर्थ, लेकिन ज़मीन की असल ड्यूटी क्या है, असल काम क्या है, टू रिटेन द हीट इनर्जी फ्रॉम द लाइट, के वो जो सूरज से निकलने वाली गर्माइश है शुआओं की सूरत में वो ज़मीन का काम है कि हमें उसकी गर्माइश से जो है महफूज रखे, दैट लाइट टू कीप लिविंग थिंग्स गोइंग ऑन लैंड एंड इन द सी। हाउ डज द अर्थ डू दैट, ज़मीन कैसे ये काम करती है कि सूरज से जो है गर्म जो है शुआएँ आएँ और फिर ज़मीन जो है उसको इतना नॉर्मल कर दे कि हम और जानदार जो है उस गर्माइश को बर्दाश्त कर सकें। इट हैज़ अ मैकेनिज़म फॉर रिटेंशन, ये एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़म है इसको महफूज रखने के लिए या इन शुआओं को रोकने के लिए, और कंटेनिंग द हीट इनर्जी बाय हर एटमॉस्फेयर, और ज़मीन जो है अपना ये काम फ़िज़ा की सूरत में करती है। जैसे कि फ़िज़ा में आपको मैंने कहा था कि फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में एस्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी जो लेयर है हमारे पास जो लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन की जो लेयर है वो क्या काम करती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनको रोक लेती है और फिर हार्मफुल रेज हमारी ज़मीन तक नहीं आती और वो वहाँ पर सूरज की रोशनी को ब्लॉक आउट कर देती हैं, और बहुत तेज़ शुआएँ जो है वहाँ पर जब आती हैं तो वो उसको नॉर्मल करके हमारी ज़मीन तक छोड़ती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है देयर आर गैसेज इन द एटमोसफेयर, आपको पता है कि एटमोसफेयर में गैसेज हैं एंड विच आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, हमारी फ़िज़ा में जितनी गैसेस हैं उन सब को जो हमें लाकर ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, एंड दीज गैसेस यूज टू हीट रिसीव फ्रॉम द सन्स रेज, एंड दीज गैसेस क्या करती हैं, यूज टू हीट, दीज गैसेस यूज द हीट, ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं जो सूरज से जो गर्माइश आती है शुआओं की सूरज में। अब सूरज से रोशनी आ रही है, इसके साथ गर्माइश भी आ रही है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस सारी गैसेस हैं ये इस गर्माइश को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड द सन्स रेज, और जो सूरज की शुआएँ हैं, रीच अवर प्लेनेट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन, और फिर जिस तरह हम देखते हैं कि पानी, गंदा पानी जो है फ़िल्टर करके साफ़ हो जाता है मशीन से,
तो इसी तरह ये वाली रेज जब सूरज से निकलती हैं और हमारी ज़मीन तक पहुंचती है तो दरमियान में आप समझें कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म है जो कि इन शुआओं को साफ़ करता है या इन शुआओं की गर्माइश को कम करके हमारी ज़मीन तक भेजता है और इसको रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन का मतलब यह है कि ये गर्म शुआएँ जो है यहाँ पर वापस आती हैं हमारे पास और यहाँ पर टकरा कर वापस जाकर चली जाती हैं और जो नॉर्मल हीट वाली होती हैं वहाँ इधर प्लैनेट तक आती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इज़ वाटर वेपर। मुकम्मल तौर पर जो ग्रीन हाउस गैस में हमारे पास है वाटर वेपर यानी कि आबी बुखारात जो हैं उसकी सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मीथेन एंड द ओजोन कम्स नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने एक इसको सीक्वेंस कर दिया है जो और ग्रीन हाउस गैस में हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड ओजोन लेयर। अच्छा जी यहाँ तक हमने पढ़ लिया है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर आप इसको डेट मेंशन कर लें इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में जो है क्या करेंगे कि हम यहाँ से अपना जो है एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।